हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुभमर, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं गार्टेक्स एक्सपो में। सो शुरू हो चुका है प्रगति मैदान में और यहां पर गारमेंट्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी कंपनियों ने स्टॉल लगाया हुआ है और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पर ये प्रिंटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और ऐसी मशीनरीज मैन्युफैक्चर करते हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली किसी भी गारमेंट्स पे किसी भी टाइप की मटेरियल्स हो आप उन पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो आज सर से बात करने वाले हैं, कंपनी के बारे में देखने वाले हैं, मशीनरीज के बारे में देखने वाले हैं और साथ ही अगर आप डील करना चाहते हैं तो आप कैसे डील कर सकते हैं, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। चलो सर, कैसे हो आप? हाय, मैं संजय श्रीवास्तव नेगी साइंस सिस्टम सप्लाईज कंपनी से हूँ। हमारी कंपनी का फैक्ट्री नेगी डिजिटल के नाम से चलता है जो देहरादून में है। लास्ट 30 ईयर से हम लोग इस प्रिंटिंग इंडस्ट्री में है। नॉट ओनली केवल गारमेंट, हम साइनेज सॉल्यूशन भी देते हैं। आज से नहीं, हम 30 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारा फैक्ट्री का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है ये रिकोजेन 5 पर हमने नेगी जेट टाउकन मशीन बनाया है जो घंटे में अप्रॉक्स 70 स्क्वायर मीटर पर आवर देता है। और यहाँ पर ये एक असेंबली भी बनाया है हम लोग जो हीटर असेंबली के नाम से जाना जाता है। ये रिएक्टिव प्रिंटर्स है, 8 कलर्स पे चलता है। वहाँ से प्रिंट होने के बाद ये प्रिंटर क्लोथ आता है, यहाँ पर ड्राई होता है, ड्राई होने के बाद ये बाकी प्रोसेस इसके अंदर में चलते हैं। यहाँ पर शुरू से देख लेते हैं सर, इधर आइए आप। यस, तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग है? ये हाँ, हमारा देहरादून में फैक्ट्री है और ये हमारे इंजीनियर्स हैं, फैक्ट्री के लोग हैं, फैक्ट्री मैनेजर हैं जिन्होंने इस मशीन को तैयार किया है। इसमें सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं, इसका जो सारा जो टेक्नोलॉजी है ये सारा जापानीज प्रिंटर है, जापानीज पार्ट्स लगाकर तैयार किया गया है। इसमें जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो जापानीज टेक्नोलॉजी है। मैक्सिमम पार्ट्स जापानीज है, जर्मनी और इटली का भी प्रोडक्ट हम लोग इसमें डाला है। आप इसको देख सकते हैं, हमारा फैक्ट्री देहरादून में है और ये वहीं के लोगों ने बनाया है, यहाँ पर इसको डेमो दे रहे हैं। अभी ये डेमो अभी हाँ, अभी ये मशीन प्रिंटिंग के लिए तैयार हो रहा है। अभी एक राउंड यहाँ पे प्रिंट हम लोगों ने प्रिंट किया था जो अभी स्टीमिंग में जा रहा है, हीटिंग में जाके ये क्योर हो रहा है। अगेन वी विल प्रिंट आफ्टर सम टाइम। और आइए मैं आपको अब अपना दूसरा प्रिंटर भी दिखाता हूँ। तो सर, इस पर जो किसी भी टाइप के जो मटेरियल्स है, किस किस टाइप के मटेरियल्स है इसे प्रिंट कर सकते हैं गारमेंट्स? एक्चुअली उसके ऊपर में एनी नेचुरल फैब्रिक वी कैन प्रिंट, जो भी नेचुरल फैब्रिक है लाइक सिल्क, कॉटन, लोग साड़ी प्रिंट करते हैं एंड जो भी फैब्रिक, नेचुरल फैब्रिक, सिल्क, वूलन, एवरीथिंग यू कैन प्रिंट ऑन इट। और एक टेक्नोलॉजी और भी है, वो डायरेक्ट प्रिंट होता है कपड़े के ऊपर में। एक टेक्नोलॉजी है, ये मूथो जापानीज मशीन है जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रिंटर। इस प्रिंटर पे हम पेपर पे प्रिंट करते हैं, पेपर पे प्रिंट करने के बाद हम हीट फ्यूजिंग मशीन की सहायता से इसको फैब्रिक पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये प्योर जापानीज मशीन है, मूथो कंपनी है, इसका डीलर हम लोग इंडिया में 30 साल से हैं, ओनली वन डीलर इन इंडिया, नेगी साइंस सिस्टम सप्लाईज कंपनी। फॉर दिस अगर आप मशीन लेना चाहते हैं तो आप मशीन के लिए मुंबई में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा मुंबई ऑफिस है, ऑल ओवर इंडिया में हमारा ऑफिस है, सब जगह ब्रांचेज हैं, देहरादून में भी हमारा फैक्ट्री है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 02261566000 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये सब्लिमेशन पेपर पे ये प्रिंट हो रहा है, यस, और ये फिर उस मशीन पर जाएंगे? नहीं, ये सब्लिमेशन प्रिंटर पे जब प्रिंट होता है, प्रिंट होने के बाद इस पेपर को कटिंग किया जाता है और उस फैब्रिक के ऊपर जिसमें 70% पॉलिस्टर होता है उसी फैब्रिक के ऊपर में हम सब्लिमेशन प्रिंटर अप्लाई करते हैं। इसको फ्यूजिंग हीट प्रेस मशीन से हम पेपर को टी शर्ट के ऊपर रखेंगे और प्रेस करेंगे तो इसके बाद ये जो पेपर का प्रिंट है उस क्लोथ के ऊपर में ट्रांसफ़र हो जाता है। बट उसके लिए आपका फैब्रिक में मिनिमम 65 to 70% पॉलिस्टर होना चाहिए, तभी आपकी क्वालिटी अच्छा आती है। अच्छा, यहाँ जो डिज़ाइन इस पर प्रिंट करने हैं वो इनपुट कहाँ से होंगे? ये एक्चुअली डिज़ाइनर क्रिएट करते हैं और हमारे पास सॉफ्टवेयर है, न्यू स्टैम्पा एंड ऑनिक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग, जापानीज प्रिंट सॉफ्टवेयर है
जिसके थ्रू वी विल गिव द कमांड फ्रॉम कंप्यूटर, और कंप्यूटर से प्रिंट आता है, इस प्रिंटर को कमांड जाता है डेटा, फिर वहाँ पे प्रिंट होता है। तो ये है कि आपके अपना डिजाइन जो भी है वो डाल सकते हैं यहाँ पर, ये कस्टमाइज्ड होता है, कस्टमर खुद जो डिजाइन क्रिएट करता है उस डिजाइन को हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं और वहाँ से फिर इसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्यूजन मशीन भी चाहिए? हाँ, इसके लिए एक फ्यूजिंग मशीन भी चाहिए, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रिंटर। ये प्रिंट तो हो जाता है, अब प्रिंट को आपको कपड़े में ट्रांसफर करने के लिए एक एक हीटर का जरूरत पड़ता है, फ्यूजिंग मशीन जिसको कहा जाता है। नाउ आ जाइए यहाँ पर, हम हमारा तीसरा प्रोडक्ट जो यहाँ हम लोग दे रहे हैं ब्रदर का टी शर्ट प्रिंटर है, ये भी एक जापानीज प्रिंटर है। इसमें 5 कलर होते हैं, जनरली CMYK माने सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक और वाइट। हाँ, वाइट कलर के थ्रू हम लोग डार्क कलर के गारमेंट्स के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें शूज़ भी प्रिंट कर सकते हैं हम, कैनवास शूज़ भी प्रिंट होता है, जीन्स भी प्रिंट कर सकते हैं। और इसके ऊपर में हम जो प्रिंट करते हैं उसका प्रिंट का क्वालिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का टी शर्ट है, ब्लैक कलर के टी शर्ट के ऊपर में हम लोग प्रिंट करते हैं। ये प्रिंटिंग होते हुए, प्रिंटिंग होते हुए प्रोसेस देखिए यहाँ पर, ये प्रोसेस को एक्सप्लेन कर, ये पहला प्रोसेस है। जब हम कोई भी गारमेंट प्रिंट करते हैं तो सबसे पहले हमको इसके ऊपर में एक कोट करना पड़ता है, केमिकल कोट। साधारण भाषा में बोल सकते हैं जैसे दीवार पे कलर करते हैं तो प्राइमर मारते हैं, उस प्राइमर को हम लोग इसको प्री कोट का नाम देते हैं। एक केमिकल स्प्रे होता है प्री कोट के ऊपर में, आप देखिए अभी ये केमिकल स्प्रे हो रहा है, स्प्रेइंग दिखेगा आपको, ये स्प्रे हो गया। अब इसके बाद हम इसके कलर को एक राउंड से स्प्रेड करके सब जगह बराबर मिला लेते हैं। इसके बाद ये कपड़ा जाता है हमारा हीट प्रेस मशीन पे, जाएगा ये ड्राई होने के लिए। देखिए कैसे ड्राई किया जा रहा है, इस हीट प्रेस मशीन पे हम इसको ड्राई कर रहे हैं। देखिए ये ड्राई इसलिए किया जा रहा है कि जो कपड़ा थोड़ा सा वेट हो गया है उसको हम ड्राई करेंगे ताकि ये फिर प्रिंटर में दिया जा सके। अब देखिए ये घंटे में लगभग हम लोग 40 से 45 टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं। कौन सा पेपर आपने लगाया है? ये पेपर इसलिए डाला गया ताकि जो क्लोथ है वो हीट टेक माने इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सके। अब देखिए ये यहाँ से 30 सेकंड के बाद ये कपड़ा ड्राई हो जाता है। तो ये अलग अलग फैब्रिक्स के लिए टाइम भी अलग अलग होंगे? नहीं, जनरली प्राय ड्राई करने के लिए लगभग एक ही टाइमिंग होता है, 30 सेकंड के अंदर में सभी क्लोथ हो जाते हैं। जनरली इसके ऊपर में लोग कॉटन फैब्रिक प्रिंट करते हैं बिकॉज जिसमें पॉलिस्टर ज़्यादा होता है उसके लिए लोग सब्लिमेशन यूज़ कर लेते हैं। अभी देखिए ये प्रिंट के लिए जा रहा है, प्रिंटिंग के लिए टी शर्ट जा रहा है। अब देखिए कैसे प्रिंट होता है, कोई भी डिज़ाइन आप इस कंप्यूटर में, मैडम इस कंप्यूटर में कोई भी डिज़ाइन आप डालते हैं, जस्ट सो ही कोई भी डिज़ाइन यहाँ डालते हैं, वो जो डिज़ाइन है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वो चला जाता है वहाँ, उस कमांड उस प्रिंटर को, प्रिंटर प्रिंट करता है। प्रिंट करने के पहले देखिए इस हिसाब से सजाया जाता है टी शर्ट को, सजाने के बाद प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंटिंग प्रोसेस हो रहा है, ऑलरेडी कमांड दिया जा चुका है। तो इसमें जो मिक्स नहीं है, मिक्स मतलब पॉलिस्टर, पॉलिस्टर परसेंटेज ये कॉटन है, इसमें पॉलिस्टर नेग्लिजिबल है। एक्चुअली पॉलिस्टर के लिए ही मेन ये प्रिंटर का ज़रूरत पड़ता है ब्रदर का, बिकॉज सब्लिमेशन में नहीं तो लोग काम कर लेंगे, कम खर्च में हो जाएगा। ये जो टी शर्ट प्रिंटर है ये इसका रिकवरी हम लोग 6 महीना में कर सकते हैं। लिवाइस, पेंटालून, एडिडास, रिबॉक, ये सारी कंपनियां हमारी मशीनें यूज़ करती हैं। किसी भी कलर का टी शर्ट, एनी कलर, हाँ यहाँ वाइट कलर भी प्रिंट होता है, उसमें फिर वाइट कलर में वाइट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखिए नेगी लोगो लिखा हुआ है, ये डार्क था, इसके ऊपर में नेगी लिखना टफ होता अगर इसमें वाइट कलर नहीं होता।
इस वाइट कलर को इसीलिए रखा गया है कि डार्क क्लोथ के ऊपर में पहले वाइट का प्रिंटिंग होता है, उसके ऊपर में फिर हम कलर प्रिंट करते हैं। पहले वाइट प्रिंट हुआ, इसके बाद कलर प्रिंट हो रहा है। ये आप बोलते हैं एक बार, सबसे पहले वाइट कलर का प्रिंट हुआ, इसके बाद अभी ये कलर प्रिंट हो रहा है। तो ये टू कलर पेंट कर सकते हैं कि अलग अलग कलर है? एक्चुअली डायरेक्ट डार्क कलर के ऊपर में अगर वाइट कलर नहीं होगा तो अदर कलर्स आपको दिखेंगे ना, दैट्स वाई वाइट कलर का पहले प्रिंट होना जरूरी होता है। ये देखिए अभी प्रिंट रेडी होकर आ गया है, अगेन इसको हम लोग फ्यूजिंग मशीन में ले जाएंगे। रंजीत भाई ये देखिए प्रिंट कंप्लीट हुआ, इसके बाद फिर ये फ्यूजिंग मशीन में जा रहा है कंप्लीट प्रोसेस के लिए। यहाँ पर फिर लाने का क्या? एक्चुअली ये जो प्रिंट हुआ अभी ये वेट है, गीला है। अच्छा। अब इसके बाद जब इसको हीट प्रेस से हम हीट प्रेस देंगे तो फिर ये ड्राई हो जाएगा। अच्छा। कलर फिक्स हो जाएगा। तो ये परमानेंटली हो जाता है? परमानेंट हो जाता है, आप कुछ भी करो ये कुछ भी नहीं, 60 वाट्स तक इसमें कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। 60 to 80 100, टाइमिंग वही है 30 सेकंड 30 सेकंड। और ये ब्रदर DTG.com क्या आपकी वेबसाइट है क्या? नहीं, ब्रदर डायरेक्ट उनका साइट है, हम अच्छा। इसके डीलर हैं, हमारा वेबसाइट है www.negisign.com www.negisign.com, मुंबई हेड ऑफिस है। ये देखिए प्रिंटर से टी शर्ट रेडी हो गया, अभी आप देखिए इसको छू के कुछ नहीं हो रहा है, देखिए कोई कलर वलर कुछ भी नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर फिक्स हो गया, देख सकते हैं आप। एक घंटे में इस प्रोसेस से लगभग हम 45 टी शर्ट रेडी करते हैं। यहाँ पर जैसे अगर लोगों का क्वेश्चन भी होगा कि भाई हम सब्लिमेशन मशीन्स पे भी कर सकते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा, इस पर उनको शिफ्ट करने का क्या मतलब होना? एक्चुअली क्या होता है, सब्लिमेशन प्रिंटर पर आप जो प्रिंट करते हैं उस सब्लिमेशन प्रिंटर पे केवल फैब्रिक वही फैब्रिक प्रिंट हो सकता है जिसमें 70% पॉलिस्टर होता है, जिसमें पॉलिस्टर अगर ये रहता है कम परसेंटेज कम रहता है उसमें हम अच्छा प्रिंट नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें हमारा प्रिंट के ऊपर में ग्लॉस नहीं आएगा। ब्रदर यूज़ करने का कारण यह है कि ये कॉटन फैब्रिक के ऊपर में भी हम इसके प्रिंट कर पा रहे हैं, टी शर्ट पर अच्छा लुक आता है और इसका कलर का ड्यूरेबिलिटी भी लॉन्ग टर्म जाता है। बेंगलोर में, दिल्ली में बड़े बड़े कंपनी में लगा हुआ है, एडिडेस, पेंटालून और कई सारी कंपनियां हैं जो हमारे मशीन से प्रिंट करा रहे हैं आजकल, ब्रांडेड कंपनी। क्योंकि आज उनका एक टी शर्ट आप खरीदने जाइए 600 रुपया 700 रुपया 1000 रुपया का टी शर्ट होता है। एक्चुअल में आप टी शर्ट का कॉस्टिंग देखेंगे मुंबई वगैरह से जो प्लेन टी शर्ट आता है जो आपको दिखाया 100-120 रुपया में आता है। इसका प्रिंटिंग कॉस्ट अगर हम पूरे टी शर्ट पे पकड़े तो हमारा 60 से 80 रुपीज़ आता है। अच्छा। तो मतलब 200 रुपया में हम टी शर्ट रेडी कर ले रहे हैं जिसको हम बेच रहे हैं 1000 रुपया, तो आप समझ सकते हैं कि तो मार्जिन इस मशीन से लेकर लोग अपना छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, घर से स्टार्ट कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। और हमारे कई कस्टमर ऐसे हैं जो 4-5 मशीनें लगाए हुए हैं और ऑनलाइन में कस्टमाइज टी शर्ट प्रिंटर के नाम से अपना बिजनेस कर रहे हैं। सपोज आपको बर्थडे का टी शर्ट प्रिंट कराना है, आप ऑनलाइन में ऑर्डर डालते हैं, लोग यहाँ से प्रिंट करते हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड अमेजोन के थ्रू अपना सेल कर रहे हैं और उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो ये एक आप बोल सकते हो कि छोटा प्रोजेक्ट भी अगर कोई डालना चाहता है तो एक स्मॉल रूम में भी ये आदमी अपना बिजनेस चालू कर सकता है। क्या बजट क्या पड़ेगा? एक्चुअली इसका प्रोजेक्ट का बजट जो है टोटल मिलाकर 22-25 लाख के अंदर में हो जाता है तीनों मशीन खरीद के। तीनों मशीन आदमी, वो इटाली का फ्यूजिंग मशीन है, इसके बाद जर्मनी का हीट प्रेस मशीन है, इसलिए अगर आप चाहें हीट प्रेस मशीन सस्ता लेना है, दिल्ली मेड लेना है तो 1,50,000 रुपया में भी मिलता है,
खाली प्रिंटर आपको 14 से 15 लाख रुपए में मिले। अगर ओनली इस मशीन की बात करें हाँ, तो कितने में मिल जाएगा ये? ओनली केवल प्रिंटर मशीन क्या है 14-15 लाख। सर जैसे अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस आप किस तरह से करते हैं? बिजनेस हमारा देखिए डायरेक्ट है, हम डायरेक्ट मशीन बेचते हैं, हमारे डीलर्स भी हैं। कुछ लोग अगर हमसे मशीन लेकर बेचना चाहते हैं तो हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बिकॉज मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है और इस कंपनी के ऑनर हैं गिरवीर सिंह नेगी जी, जो अभी नहीं आए हैं, वो आउट ऑफ इंडिया है किसी काम से, तो मुंबई कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। अगर किसी को ज़रूरत है बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस करने के लिए, तो हमसे कॉन्टेक्ट करें। मेरा नाम है संजय श्रीवास्तव, मेरा मोबाइल नंबर है 9831558383। तो यहाँ पर आप बिजनेस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और या डायरेक्टली आपको मशीन परचेज करना हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाएंगी। Yes. और सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए, हम इस इंडस्ट्री में केवल टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ही नहीं है, हम लगभग साइनेज इंडस्ट्री में भी है। जिन लोगों को फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन चाहिए या डायरेक्ट अलमीरा पे प्रिंट करना है, यूवी प्रिंटर मशीन चाहिए, फैब्रिक प्रिंटर मशीन चाहिए, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एनी साइनेज सॉल्यूशन भी हमारे पास है, और ये कंपनी छोटी कंपनी नहीं है, ये कंपनी लॉन्ग टर्म से है, लोगों का विश्वास है इस कंपनी के साथ में। हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1000 से ज़्यादा इंस्टॉलेशन है, नेपाल वगैरह में भी हमारी मशीनें लगी हुई हैं, बांग्लादेश में हमने मशीन बेचा है, तो सिर्फ इंडिया ही नहीं बाहर भी हमारे लोगों का भरोसा हम पर है, तभी लोग हमसे सर्विस ले रहे हैं, और इतने लॉन्ग टर्म से मैं हूँ। चलिए सर, थैंक यू बात करने के लिए, धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद।